अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो कि है अनएम्प्लॉयमेंट। सबसे पहले हमने पॉवर्टी के टॉपिक्स देखे, अब हम देखते हैं स्पेसिफिकली अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड। तो सबसे पहले हम समझते हैं अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब। अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स जो पढ़ा लिखा है वो जॉब ढूंढ रहा है लेकिन उसे जॉब जो है वो नहीं मिल पा रही है, तो दैट पर्सन इज कॉल्ड अनएम्प्लॉयड। तो अब हम समझते हैं अनएम्प्लॉयड और अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब बेरोजगारी। तो देखते हैं सबसे पहला हमें इसी तरीके से याद रखना है, अनएम्प्लॉयड पर्सन जो है वो कौन है, जो कि अडल्ट है, उसकी एज जो है वो 15 to 16 ईयर्स है और वो रेडी है काम करने के लिए। जो ऑन गोइंग जो भी मार्केट वेजेस जो है वो, ऐसा नहीं है कि जो भी वेज रेट चल रही है, जो सैलरी चल रही है उससे वो बढ़ा चढ़ा कर बोले, जो ऑन गोइंग प्रिवेलिंग मार्केट रेट है वो उसमें रेडी है काम करने के लिए, वो पूरी तरीके से हेल्दी और क्वालिफाइड भी। हेल्दी मीन्स अगर वो सिक है तो वो काम नहीं कर पाएगा, वो पूरी तरीके से मेंटली फिट है और वो क्वालिफाइड भी है, उसको जो भी रिक्वायरमेंट क्वालिफिकेशन है वो है और वो काम ढूंढ रहा है और उसे काम नहीं मिल पा रहा है, तो ऐसे पर्सन को बोलेंगे हम अनएम्प्लॉयड के उसके पास जॉब नहीं है और ये जो सिचुएशन जो है उसे हम बोलते हैं अनएम्प्लॉयमेंट, दैट इज बेरोजगारी। अब ऐसे पर्सन को हम अनएम्प्लॉयड पर्सन नॉट कॉल्ड अनएम्प्लॉयड इवन दे डोंट हैव वर्क। ऐसे पर्सन जो कि काम, उनके पास काम नहीं है फिर भी वो अनएम्प्लॉयड नहीं कहलाएंगे, कौन कौन से वो पर्सन है ये भी हमें पूछ सकते हैं। सबसे पहला हमने देखा जिसकी एज ग्रुप जो है 15 to 16 ईयर्स है, वो ही जो काम ढूंढ रहे हैं वो ही अनएम्प्लॉयड होंगे, लेकिन वो इस एज ग्रुप में फॉल करते ही नहीं है। हमने अनएम्प्लॉयड में देखा रेडी टू वर्क ऑन और नहीं, ऐसा पर्सन जो कि मोर देन प्रिवेलेंट वेज रेट से ज्यादा मांग रहा है, वो हैंड फिजिकली फिट नहीं है, हैंडीकैप्ड है, वीक है, सिक है, लेजी है, हाउसवाइफ है और वो उसकी इच्छा ही नहीं है काम ढूंढने की, तो ऐसे पर्सन को हम अनएम्प्लॉयड जो है वो नहीं कहेंगे। तो ये हमें अच्छे से याद रखना है, ऐसे पर्सन जो कि अनएम्प्लॉयड है और कौन से पर्सन जो है वो अनएम्प्लॉयड के कैटेगरीज में नहीं आते, तो इस तरीके से हमें इसको याद रखना है, सबके अपोजिट्स हमें लिखने हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो समझते हैं कौन कौन से टाइप है। तो सबसे पहला है सीजनल, तो देखते हैं क्या है सीजनल में। ड्यू टू लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज रेन जो है वो इरेगुलर है, कभी आती है कभी बारिश नहीं आती है, कभी एकदम ज्यादा आ जाती है, और फार्मर्स के पास कोई फार्मिंग के अलावा कोई दूसरी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं है, वो कहीं और जॉब नहीं कर सकते हैं, तो वो जो है वो एम्प्लॉयड जो है वो पर्टिकुलर सीजन में ही रहेंगे, बाकी के टाइम पर जब फार्मिंग का सीजन नहीं है तो वो पूरी तरीके से अनएम्प्लॉयड रहेंगे फॉर 3 to 5 months इन इंडिया। तो जब फार्मिंग सीजन है तो वो एम्प्लॉयड रहेंगे, जब फार्मिंग सीजन नहीं है तो उनके पास कोई भी जॉब या एम्प्लॉयमेंट नहीं होगी, तो बिकॉज ऑफ सीजन यहाँ पर उनको अनएम्प्लॉयमेंट फेस करनी पड़ रही है, तो ऐसे अनएम्प्लॉयमेंट को हम बोलेंगे सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। अब हम देखते हैं नेक्स्ट फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, तो हमें अच्छे से याद रखना है ये जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी चेंज होती है, तो उसकी वजह से अगर किसी को अनएम्प्लॉयड रहना पड़ता है तो वो है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। जैसे कि हमने बात करी कंप्यूटर्स की, अगर पर्सन जो है वो कंप्यूटर सीख रहा है, उसको आता है, अभी वो जॉब में एम्प्लॉयड है, अचानक से पूरी टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है, सॉफ्टवेयर चेंज हो गया है, तो वो उस सॉफ्टवेयर में काम नहीं कर पा रहा है, उसे उसकी ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, तो जब तक ट्रेनिंग पीरियड है जब तक वो एम्प्लॉयड नहीं है टू अपग्रेड हिज टेक्नोलॉजी, तो इस टेक्नोलॉजी की वजह से जब उसे जॉब नहीं मिल पा रही है तो उसे हम बोलेंगे फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। देखिए आपको लिखा हुआ है व्हेन न्यू टेक्नोलॉजी इज इंट्रोड्यूस, जब नई टेक्नोलॉजी आ जाती है इन प्लेस ऑफ ओल्ड टेक्नोलॉजी, तो उस टाइम पर लेबर को अनएम्प्लॉयड रहना पड़ता है फॉर सम टाइम और इसे हम बोलेंगे फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। अब हम देखते हैं स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। स्ट्रक्चरल मीन्स हमारी सोसाइटी का स्ट्रक्चर, कभी कभी ऐसा भी होता है कि गर्ल्स को जो है वो जॉब पे नहीं जाने देते हैं, या दूसरा रीजन देखें कोई भी ऑर्थोडॉक्सी रीजंस हो गए, तो देखते हैं हमारे स्ट्रक्चर की वजह से जब लोग अनएम्प्लॉयड रहते हैं तो उसे बोला जाता है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। तो देखते हैं क्या लिखा हुआ है, हमारी इंडियन इकोनॉमी जो है वो काफी ज्यादा बैकवर्ड है, रूरल एरियाज की बात करें काफी ज्यादा ऑर्थोडॉक्स है, ब्लैक मैजिक्स और उन पर बिलीव करते हैं, तो सोशल बैकवर्डनेस की वजह से, ट्रेडिशनल कस्टम्स की वजह से, इलिटरेसी की वजह से और बहुत सारी स्ट्रक्चरल फैसिलिटीज जो है वो नहीं मिल पाती है, और इसकी वजह से अगर पर्सन जो है वो अनएम्प्लॉयड है तो
तो उसे हम बोलेंगे स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट हम देखते हैं डिस्गाइज। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑब्जेक्टिव, और स्पेसिफिकली हमें डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में भी पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं डिस्गाइज। डिस्गाइज का मतलब होता है हिडन, ये अच्छे से याद रखना है हमें इसका मीनिंग। डिस्गाइज का मतलब होता है हिडन। तो आपको मैं पहले एग्जाम्पल के थ्रू समझाने वाला हूँ कैसे क्या मतलब है डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट का। सपोज एक फैमिली है 5 मेंबर्स की, उसमें से 4 लोग जो है वो फार्मिंग फील्ड पर काम कर रहे हैं और एक जो है वो घर पर बैठा है, वो बिल्कुल काम नहीं कर रहा है। और ये जो फैमिली ऑफ 4 मेंबर्स जो है, जब वो काम करती है तो इनका प्रोडक्शन जो है वो 100 kgs ऑफ वीट आता है। अब ये पर्टिकुलर बंदा जो है वो बोल रहा है कि मुझे भी काम पर आना है, तो वो 5th पर्सन भी यहाँ पर आ गया। तो अब जो है वो 5 पर्सन जो है वो एम्प्लॉयड है। लेकिन हम अगर प्रोडक्शन की बात करें तो सेम है, यहाँ 4 पर्सन वर्क कर रहे थे तो भी 100 kgs आ रहा था, और 100 और 5 पर्सन करे तो भी 100 kgs ऑफ वीट है, मतलब प्रोडक्शन सेम है। तो ऐसा पर्सन जिसकी वजह से प्रोडक्शन में आ तो गया है वो, लेकिन प्रोडक्शन में उसकी कोई हेल्प नहीं है, कोई बढ़ावा नहीं है, तो ऐसे पर्सन को जो 5th पर्सन जो आया है उसे हम बोलेंगे डिस्गाइज अनएम्प्लॉयड। तो देखते हैं क्या लिखा हुआ है। डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि वो दिखने के लिए तो एम्प्लॉयड है लेकिन एक्चुअल में वो कोई कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहा है, इसीलिए हम उसे बोलेंगे डिस्गाइज अनएम्प्लॉयड। तो देखिए, समटाइम मोर देन रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वर्कर्स जो है वो ऑक्यूपेशन में एक्वायर होते हैं, जरूरत ही नहीं है और उससे ज्यादा जो है वो पर्सन जो है वो एम्प्लॉय होते हैं। अगर हम इन पर्सन को रिमूव भी कर दे तो कोई भी प्रोडक्शन में चेंजेस जो है वो नहीं आएंगे। तो ये जो एक्स्ट्रा लेबर जो है उसे हम बोलते हैं कि वो अनएम्प्लॉयड है इन अ हिडन और डिस्गाइज मैनर। आई होप आपको एग्जाम्पल के थ्रू एकदम अच्छे से समझ आ गया हो। अब हम देखते हैं इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट। तो इसकी बात करें तो इन द इंडस्ट्रियल फील्ड इफ एनीवन हैज टू रिमेन अनएम्प्लॉयड थोड़े टाइम के लिए या लॉन्ग टर्म के लिए, उन्हें अनएम्प्लॉयड रहना पड़ता है बिकॉज चेंजेस जो है वो इंडस्ट्रियल सेक्टर में हो रहे हैं। तो जब इंडस्ट्रीज के रीजंस की वजह से उन्हें अनएम्प्लॉयड रहना पड़ता है तो वो सिचुएशन जो वो है इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट। अब हम देखते हैं एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। जो पर्सन पढ़ा लिखा है उसके पास डिग्री है बट उसे एजुकेटेड है पर उसे एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पा रही है, जॉब नहीं मिल पा रही है, तो ऐसे पर्सन को हम बोलेंगे एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड और इसकी सिचुएशन को हम बोलेंगे अनएम्प्लॉयमेंट। तो देखिए, जिसने एटलीस्ट सेकेंडरी एजुकेशन या जिसको डिग्री मिल गई है बट फिर भी वो अनएम्प्लॉयड है तो उसे हम बोलेंगे एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड पर्सन। तो आई होप आपको ये सब जो है वो क्लियर हो गया हो। देखिए, आपको टाइप जो है वो यहाँ से शॉर्ट में करना है, सीजनल, फ्रिक्शनल, स्ट्रक्चरल, डिस्गाइज मीन्स हिडन, इंडस्ट्रियल और एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड पर्सन। तो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज मेन रीजंस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। भारत में, इंडिया में इतना ज्यादा बेरोजगारी क्यों है, इतना ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट क्यों है? तो सबसे पहला, पॉपुलेशन काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, इसकी वजह से सबको काम नहीं मिल पा रहा है। नेक्स्ट, लोगों के पास आजकल सिर्फ बुकिश नॉलेज है, स्कूल्स में भी प्रैक्टिकल नॉलेज जो है वो दिया नहीं जाता है, तो सब रट्टा मारते, रट्टाफिकेशन होता है और इसकी वजह से लोगों के पास प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होती है एंड बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ इन प्रैक्टिकल नॉलेज उन्हें जॉब जो है वो नहीं मिल पाती, उनके पास रिक्वायर्ड स्किल्स जो है वो नहीं होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं, उनके पास टेक्निकल नॉलेज और स्किल्स नहीं होती है। नेक्स्ट, गवर्नमेंट जो है वो पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। गवर्नमेंट हमें प्रोमिसेस करती है कि हम आपको एम्प्लॉयमेंट देंगे लेकिन गवर्नमेंट की स्कीम्स ही आपस में फेल हो जाती है। नेक्स्ट, अगर हम फार्मिंग फील्ड की या फार्मर्स की बात करें तो एग्रीकल्चरल एरियाज में इरेगुलर रेन होती है, उसके कारण जो है अनएम्प्लॉयमेंट काफी ज्यादा है और इरिगेशन फैसिलिटीज जो है वो बिल्कुल भी नहीं है। पीपल का इंटरेस्ट जो है वो एग्रीकल्चर में डिक्रीज हो रहा है और दूसरी केस में इनके पास कोई और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं है और वो एग्रीकल्चर में भी काम नहीं करना चाहते, इसीलिए वो अनएम्प्लॉयड रहते हैं। नेक्स्ट, उनके पास एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज अगर है तो भी अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल पाती है उन्हें अदर देन द एग्रीकल्चरल सीजन, सिर्फ एग्रीकल्चर सीजन में वो काम कर पाते हैं, बाकी उन्हें खाली बैठना पड़ता है, वो अनएम्प्लॉयड रहते हैं बिकॉज उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं होता है जॉब का। नेक्स्ट, वीक कंडीशन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री। जो कॉटेज इंडस्ट्री है, जो घरों में ही काम करते हैं, उनकी कंडीशन काफी ज्यादा वीक होती है।
हाउस होल्ड इंडस्ट्री और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वो इतने बड़े लेवल पर काम नहीं कर पाते थोड़े टाइम तक, वो काम करेंगे और बिकॉज ऑफ वीक कंडीशन वो अनएम्प्लॉयड होंगे, उन्हें काम नहीं मिलेगा। कास्ट सिस्टम, ज्वाइंट फैमिली सिस्टम जो है वो फोर्स करते हैं कि हमें जो है हमारे ट्रेडिशनल बिजनेस में ही रहना है, हम अब हमारे पास कोई दूसरी करियर अपॉर्चुनिटीज नहीं है। तो ट्रेडिशनल बिजनेस सिस्टम और फैमिली बिजनेसेस की वजह से बहुत सारे यूथ जो है जो कि अपना करियर जो है वो दूसरे में बनाना चाहते हैं वो बना नहीं पाते हैं बिकॉज ऑफ ट्रेडिशनल बिजनेस स्ट्रक्चर की वजह से। लोगों के पास करेज या हिम्मत नहीं होती है कि वो नया बिजनेस जो है वो चालू कर पाए बिकॉज काफी ज्यादा रिस्क जो है वो रहता है। नेक्स्ट, ट्रेनिंग या एक्सपीरियंस नहीं होता है लोगों के पास। इमोबिलिटी ऑफ लेबर, लेबर जो है वो इधर से उधर मूव जो है वो नहीं कर पाता है, उसकी वजह से गवर्नमेंट पुअर प्लानिंग टू ऑर्गेनाइज लेबर। अब लेबर तो है लेकिन गवर्नमेंट उसका अच्छे से मैनेजमेंट नहीं कर पा रही है, तो इसकी वजह से भी अनएम्प्लॉयमेंट काफी ज्यादा बढ़ गया है। और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो है वो काफी ज्यादा कम है, इंडस्ट्रीज कम है तो लोगों को इतनी नौकरी इंडस्ट्रीज में नहीं मिल पा रही है। तो ये सारे जो है वो रीजंस है ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, दैट इज रिलेटेड टू एफर्ट्स टू रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट। अब हमारे इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट तो बहुत ज्यादा है, तो गवर्नमेंट ने क्या क्या एफर्ट्स किए, क्या क्या मेहनत की है जिससे कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो रिड्यूस हो जाए, या स्कीम्स और प्रोग्राम जो कि गवर्नमेंट ने ली है जिससे कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो कम हो जाए। तो सबसे पहला पॉइंट है, गवर्नमेंट ने एक गोल अचीव किया, गोल जो है उसका सोचा है कि उन्होंने गोल सेट किया है कि हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है एट द रेट ऑफ 10% के हिसाब से पर ईयर जो है वो करना पड़ेगा। उन्होंने ये टारगेट सेट किया है, गवर्नमेंट ने इसके लिए डिसाइड किया है कि अब हम यूथ के लिए या जो पर्सन अनएम्प्लॉयड है उनके लिए नए नए मौके या अपॉर्चुनिटीज लेकर आएंगे, नए नए फील्ड में, सिर्फ फार्मिंग से नहीं नए नए फील्ड में करियर अपॉर्चुनिटीज वो लेकर आएंगे ताकि के उन्हें फास्ट और ताकि के इंडिया का फास्ट और बैलेंस इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, एग्रीकल्चर सेक्टर में, स्मॉल एंड बिजनेस हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज में और कॉटेज इंडस्ट्रीज में। इन ऑर्डर टू इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट, गवर्नमेंट ने क्या किया, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट जो है वो इकोनॉमिक पैसों की मदद भी करती है, लोन देती है, एजुकेशन प्रोवाइड करती है और उन्होंने लोगों को ट्रेनिंग देने के लिए ट्रेनिंग सेंटर्स भी खोले हैं अलग अलग स्कीम के थ्रू। आई होप आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, यहाँ पर सेकेंड पॉइंट जो है वो दे रखा है, गवर्नमेंट ने मेन फोकस या स्ट्रेस किस पर दिया है, ऐसी इंडस्ट्रीज या फैक्ट्रीज बनानी है जहां पर लेबर का बहुत यूज हो, मशीन को अवॉइड करे और लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज जो है वो सेटअप करे। नेक्स्ट, अब लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स जो है वो कौन कौन से, कंज्यूमर गुड्स के अंदर काफी ज्यादा लेबर्स यूज होते हैं तो लेबर्स यूज होंगे तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज, ग्रामोद्योग, हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज जो है ये सब जो है वो लेबर इंटेंसिव मेथड्स का यूज करती है और लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट हम देखते हैं, गवर्नमेंट जो है उन्हें अगर एम्प्लॉयमेंट रिड्यूस करनी है विलेज लेवल पर तो वो क्या क्या प्रोवाइड कर सकती है। तो सबसे पहला देखें, सबसे पहले हम इसका ऑब्जेक्टिव समझते हैं फिर ये समझेंगे। देखिए, अगर कोई गांव का डेवलपमेंट हो रहा है, कोई विलेज का डेवलपमेंट हो रहा है जैसे कि रोड्स बनाना है, तो क्यों ना हम उन्हीं विलेजर्स को कंस्ट्रक्शन में लगा दें। तो इससे दो काम होंगे, एक तो गवर्नमेंट की भी मदद होगी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा और वहां के गाँव के विलेजर्स को नौकरी भी मिलेगी। तो ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव था कि हम कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज करें और उन्हीं विलेजर्स को काम पर लगा दे ताकि कि उनको एम्प्लॉयमेंट मिले और वो पॉवर्टी से भी बाहर आ सके। तो क्या क्या काम वो करवा सकती है, एम्प्लॉय मोर पीपल विद द हेल्प ऑफ लेस इन्वेस्टमेंट, कम पैसा लगाकर ज्यादा से ज्यादा लोगों को वो एम्प्लॉय करे, ट्रेनिंग दे ताकि ऐसी ट्रेनिंग दे जहां पर उन्हें वो ये प्रोवाइड करके वो एक से ज्यादा क्रॉप जो है एक ईयर में कर सके, द लेबरर्स एम्प्लॉयड थ्रू आउट द ईयर, इस तरह का वो एफर्ट किया उन्होंने, ब्रिंग न्यू लैंड अंडर कल्टिवेशन, नई लैंड लैंड जो है वो कल्टिवेट कर सके, नए नए स्मॉल एंड बिग इरिगेशन स्कीम्स जैसे कि कंस्ट्रक्ट कर सके, डैम, चेक डैम, पॉन्ड्स, कैनल्स, ट्यूबवेल्स जो है वो कंस्ट्रक्ट कर सके, रोड्स कंस्ट्रक्ट करे और उसी में गाँव के विलेजर्स को ही लगाए, कंडक्ट प्रोग्राम्स फॉर अफॉरेस्टेशन, ज्यादा से ज्यादा पेड़ उगाए और उसी में गाँव के लोगों को ही एम्प्लॉय करे, एनकरेज प्लांटेशन एग्रीकल्चर, प्लांटेशन एग्रीकल्चर भी एनकरेज करे, ऑर्गेनिक फार्मिंग, ड्राई फार्मिंग और ग्रोइंग वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स का भी एनकरेजमेंट करे। तो देखिए, आपको मैंने ये चीज समझाई थी, ऑब्जेक्टिव क्या था, इज सिंपली टू इन्वॉल्व द विलेजेस इन द डेवलपमेंट एंड प्रोवाइड देम द एम्प्लॉयमेंट, उन्हें ये सब कंस्ट्रक्शन और ये जो भी काम है उन्हीं को एम्प्लॉय करे और उन्हें एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करे।
दिस विल हेल्प बोथ द गवर्नमेंट एंड द पीपल, दोनों को ही मदद रहेगा। रूरल पीपल को नौकरी मिल जाएगी, उन्हें पैसा मिलेगा, और गवर्नमेंट जो है उससे गांव का डेवलपमेंट होगा और उससे हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ होगी। एंड दिस विल ऑल्सो रिड्यूस माइग्रेशन टू द सिटी, बिकॉज गाँव में ही उन्हें काम मिल रहा है, तो वो जो विलेजर्स जो है वो माइग्रेट नहीं करेंगे सिटीज में, और सिटीज का बर्डन जो है, प्रेशर जो है वो कम होगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, इन ऑर्डर टू डिक्रीज एडुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, हमने पढ़ाई था एडुकेटेड अन, जो पढ़े लिखे जिसके पास नौकरी नहीं है उसे अगर हमें कम करना है यूथ के अंदर, तो स्किल्स शुड बी डेवलप, लोगों के अंदर जो एडुकेटेड है उनके अंदर स्किल्स और एक्सपीरियंस या प्रैक्टिकल नॉलेज भी प्रोवाइड करने की जरूरत है, और उन्हें एम्प्लॉयमेंट जो है वो एज पर क्वालिफिकेशन ही मिले। गवर्नमेंट ने ऐसे स्टेप्स लिए हैं, गवर्नमेंट जो है उन्हें ऐसी पॉलिसीज अपनानी है जिससे कि वो बिजनेस ओरिएंटेड और टेक्निकल एजुकेशन जो है वो स्टार्टिंग से ही बच्चों को प्रोवाइड करें। और नेक्स्ट, करिकुलम या सिलेबस जो है वो स्कूल्स और कॉलेजेस का इस तरह का होना चाहिए कि उन्हें स्टार्टिंग से ही प्रैक्टिकल एक्सपोजर या प्रैक्टिकल नॉलेज जो है वो मिल जाए, और आज की जो भी इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से स्कूल्स में ही लोगों को, बच्चों को ट्रेनिंग जो है वो मिल जाए। यूथ जो है उन्हें गारंटी मिलनी चाहिए कि आपको, आप जो पढ़ रहे हो, आपको जो स्किल्स नॉलेज या एक्सपीरियंस गेन हो रहा है उससे आपको श्योरली आपको एम्प्लॉयमेंट जो है वो मिलेगा। तो ये पर्टिकुलरली यूथ से रिलेटेड था, एडुकेटेड अनएम्प्लॉयड के लिए था। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, लेबर मिनिस्ट्री ऑफ इंडियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, दो गवर्नमेंट की बात करी गई है स्पेसिफिकली, लेबर मिनिस्ट्री ऑफ इंडियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, वो जो है वो अलग अलग प्रोग्राम्स लेकर आए, मेक इन इंडिया, सारी चीजें हमें इंडिया में ही बनानी है, स्किल इंडिया एंड डिजिटल इंडिया वो लेकर आए ताकि के वो एनहांस या इंक्रीज कर सके नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, लोगों का उत्साह, एंथुसिएज्म, उत्साह, और वर्क कर सके, और ये स्पेसिफिकली किसके लिए, ये तीनों जो स्कीम जो है वो स्पेसिफिकली यूथ के लिए लेकर आए। एट प्रेजेंट अगर हम बात करें तो बड़ी बड़ी, बहुत बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशन, दिस इज IIT, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जो है वो एस्टैब्लिश करी गई है ताकि के लोगों को एम्प्लॉयमेंट जो है वो मिल पाए, यहाँ पर उन्हें ट्रेनिंग और प्रैक्टिकल एक्सपोजर भी मिलता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, गवर्नमेंट हैज ओपन न्यू एरियाज ऑफ द एम्प्लॉयमेंट टू प्लान मैन पावर, को कितना लेबर होना चाहिए, किसको एजुके, किसको एम्प्लॉयमेंट मिलना चाहिए, उसके लिए गवर्नमेंट ने नए नए एरियाज, करियर अपॉर्चुनिटीज जो है वो लेकर आए हैं। आजकल के टाइम पे हमने देखा होगा कि सिर्फ फार्मिंग के अलावा या ट्रेडिशनल बिजनेस के अलावा बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है, करियर अपॉर्चुनिटीज है, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में, फार्मास्यूटिकल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, फार्मास्यूटिकल्स में, फार्मास्यूटिकल्स मीन्स इंडस्ट्री रिलेटेड टू मेडिसिन, वहां पर भी बहुत ज्यादा करियर अपॉर्चुनिटीज है, बिजनेस मैनेजमेंट, इवेंट मैनेजमेंट, यहाँ पर आज के टाइम पर बहुत ज्यादा स्कोप है और डिमांड है। तो लुकिंग एट द डिमांड, इन डिमांड को, नए नए अपॉर्चुनिटीज, करियर अपॉर्चुनिटीज को देखते हुए न्यू करिकुलम जो है वो सेटअप किए गए। इवेंट मैनेजमेंट जिसे करना है तो इवेंट मैनेजमेंट वो ऑप्ट कर सकता है, तो वो वैसे कोर्सेज जो है वो स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज में ऑप्ट किए गए। अकॉर्डिंगली करिकुलम जो है, एजुकेशन, ट्रेनिंग, टीचिंग जो है वो पूरी तरीके से चेंज हो गई है, जो न्यू करियर अपॉर्चुनिटीज है उसके हिसाब से सिलेबस जो है वो स्कूल्स में लेकर आ जाए, ताकि के जो यूथ जो है जिसके पास डिग्री है वो इन सब फील्ड्स में दूसरी करियर अपॉर्चुनिटीज जो है वो देख पाए। गवर्नमेंट ने और भी शॉर्ट टर्म डिप्लोमा कोर्सेज और सर्टिफिकेट कोर्सेज, जैसे कि जिसके पास इतना पैसा नहीं है, जो इतना पढ़ नहीं पाता है, उनके लिए रेडियो, टीवी, मोबाइल और एसी रिपेयरिंग जैसे शॉर्ट टर्म डिप्लोमा कोर्सेज भी किए, ताकि कि उन्हें इन्हें इसमें भी जॉब जो है वो मिल सके। और गवर्नमेंट ने स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम या स्कीम जो है वो प्रोवाइड करी है, एस्टैब्लिश करी है, ताकि के वो नए बिजनेसेस को प्रमोट कर सके, जिनके पास स्किल्स है, सब कुछ है, वो बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं बट उनके पास पैसा नहीं है, तो गवर्नमेंट जो है स्टार्टअप इंडिया के अंदर उन्हें पैसों की या फाइनेंस की मदद करती है। नेक्स्ट देखते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेसिफिकली हमें एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज सेंटर्स का भी पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज सेंटर एक्चुअली है क्या। गवर्नमेंट ने सेटअप किए हैं कुछ एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज सेंटर, तो अब हम देखते हैं डी सेंटर्स मीन्स एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज सेंटर्स जो है वो लिंक है अनएम्प्लॉयड और एम्प्लॉयर्स के बीच में, ये कनेक्टिंग लिंक का काम करते हैं। जो भी अनएम्प्लॉयड पीपल है जिनके पास नौकरी नहीं है वो अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हैं उनके नाम के साथ एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज सेंटर में, और ये जो सेंटर्स जो है
थ्री सेंटर शेयर इंफॉर्मेशन ऑफ द कैंडिडेट। ये जो है वो कैंडिडेट की इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करते हैं, जिन बिजनेसेस में इनकी जरूरत है उन्हें वो लिस्ट प्रोवाइड कर देते हैं लुकिंग फॉर द एम्प्लॉय, और इस तरीके से जिन्होंने रजिस्टर करवाया उन्हें नौकरी जो है वो मिल सकती है। थ्री सेंटर जो है वो ऑल्सो प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द एम्प्लॉयमेंट थ्रू मैगजीन, और मैगजीन के थ्रू भी वो एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं। जैसे कि मैगजीन का नाम है रोजगार कारगिर्दी थ्रू इट्स मॉडल करियर सेंटर। अच्छे से याद रखें मॉडल करियर सेंटर, और उन्होंने एक हेल्पलाइन नंबर भी दिया है, ये आपको हेल्पलाइन नंबर दे रखा है। इस हेल्पलाइन नंबर पर कोई भी कॉल कर सकता है और वो कॉल करने पर हेल्प कर सकते हैं पीपल बाय प्रोवाइडिंग देम द इंफॉर्मेशन। इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अगर किसी को चाहिए एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड तो ये नंबर पर उन्हें मिल सकती है। इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू स्किल बेस्ड प्रोग्राम से रिलेटेड और एम्प्लॉयमेंट फेयर जो है उससे रिलेटेड उन्हें इंफॉर्मेशन मिल सकती है। तो ये जो स्पेसिफिकली टॉपिक जो था वो था एफर्ट्स दैट आर मेड बाय गवर्नमेंट टू रिड्यूस द अनएम्प्लॉयमेंट। अच्छे से याद रखना है दिस आर एफर्ट्स टू रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट नॉट द पॉवर्टी। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। दिस इज रिलेटेड टू इफेक्ट्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। कोई पर्सन अगर अनएम्प्लॉयड है तो उससे ओवरऑल उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे कि आपने देखा ही होगा आज के टाइम पे बहुत ज्यादा सुसाइड्स बढ़ चुके हैं, बिकॉज मेंटली कहीं ना कहीं उनपे प्रेशर आ जाता है कि वो उनके पास बिल्कुल इनकम नहीं है, वो अपना घर कैसे चलाएंगे, तो वो सुसाइड कर लेते हैं। तो इस तरीके से लोगों पे क्या क्या अनएम्प्लॉयमेंट का, जिन्हें जॉब नहीं मिल पाती है, क्या क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो सबसे पहला उनका मोटिवेशन जो है, उनका उत्साह जो है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। उन्हें स्टडीज में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है कि मैं इतना पढ़ूंगा लेकिन नौकरी तो मिलने नहीं वाली है, तो पूरी तरीके से उनका स्टडीज में इंटरेस्ट खत्म हो जाता है और उनकी थिंकिंग जो है वो पूरी तरीके से नेगेटिव हो जाती है। नेक्स्ट उनकी सोशल और मेंटल कंडीशन जो है वो बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है और वो काफी ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाते हैं साइकोलॉजिकली। माइंड के थ्रू वो काफी ज्यादा उनके अंदर नेगेटिविटी आ जाती है कि पढ़ने का क्या फायदा है, कोई नौकरी नहीं मिलेगी, काफी ज्यादा नेगेटिविटी आ जाती है और वो शिकार बन सकते हैं। बिकॉज उन्हें नौकरी नहीं मिल रही है तो वो ड्रिंकिंग की हैबिट भी उन्हें लग सकती है, ओवर ड्रिंकिंग की और ड्रग्स की भी, नार्कोटिक ड्रग्स या ड्रग्स की भी आदत जो है वो लग सकती है बिकॉज उन्हें काम नहीं मिल रहा है। नेक्स्ट दे मे ऑल्सो गेट इन्वॉल्व इन द एंटी सोशल और इमोरल एक्टिविटीज। वो पैसा कमाने के लिए दूसरी दूसरी एक्टिविटीज जैसे कि क्रिमिनल एक्टिविटीज, रॉबरी करना, चोरी करना, ये सब एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो सकते हैं, जैसे कि ड्रग की ट्रैफिकिंग करना, उनको इधर से उधर भेजना, इलीगल एक्टिविटीज, रॉबरीज और रैंसम। रैंसम का मतलब होता है धमकी से पैसा जो है वो लेना किसी को किडनैप करके, तो ये सारी क्रिमिनल एक्टिविटीज में वो इन्वॉल्व हो सकते हैं। सच पीपल जो है वो हमारी सोसाइटी के लिए काफी ज्यादा हार्मफुल है बिकॉज वो अपना पेट भरने के लिए दूसरे लोगों को हार्म जो है वो पहुंचा सकते हैं, तो ये हमारे लिए हार्मफुल है, फैमिलीज के लिए, सोसाइटीज के लिए और हमारी एज अ इकोनॉमी के लिए भी। अब हम बात करेंगे ब्रेन ड्रेन की। ब्रेन ड्रेन ऑल्सो अकर्स ड्यू टू अनएम्प्लॉयमेंट। तो हमें अच्छे से याद रखना है अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से ब्रेन ड्रेन भी होता है। मीन्स हमारे इंडिया में पढ़ा लिखा जो भी है यूथ जो है, जो कि इंडिया को हेल्पफुल हो सकता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, बिकॉज यहाँ पर उसे इतनी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पा रही, तो इतना पढ़ा लिखा जो कि इंडिया में कॉन्ट्रीब्यूशन दे सकता है वो चला जाता है बाहर और वो बाहर की हेल्प करता है, तो इसे हम बोलते हैं ब्रेन ड्रेन। तो पीपल जो है वो दूसरी कंट्रीज में माइग्रेट करते हैं ताकि के वहां पर उन्हें जॉब मिल सके और फाइनेंशियल सिक्योरिटी जो है वो उन्हें मिल सके, तो वो अपने ही देश की मदद करने की बजाय दूसरी कंट्रीज पे जाकर उन्हें एम्प्लॉयमेंट जो है वो प्रोवाइड करते हैं। तो ये है इम्पैक्ट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो अब हम नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। वर्ल्ड लेबर मार्केट के बारे में पूछा जाता है, ब्रेन ड्रेन के बारे में पूछा जाता है। तो सबसे पहला हम समझते हैं लेबर मार्केट की डेफिनेशन। तो जो भी अवेबिलिटी है एम्प्लॉयमेंट की, लेबर की, एक रीजन में इन टर्म्स ऑफ देयर सप्लाई एंड डिमांड, कितनी जॉब अवेलेबल है, कितने लोगों को जरूरत है नौकरी की, तो इसे हम बोलते हैं लेबर मार्केट। पूरी तरीके से वर्कर्स से रिलेटेड मार्केट, दैट इज कितनी डिमांड है, कितनी सप्लाई है, उसे हम बोलेंगे लेबर मार्केट। अब हम बात करते हैं वर्ल्ड लेबर मार्केट की। हमने लेबर मार्केट, अब यहाँ पर आ गया है वर्ल्ड। वर्ल्ड में जब इंटरनेशनली लेबर मार्केट की बात हो तो व्हेन एक्सचेंज ऑफ लेबर जो है, जब एक लेबर जो है या एक वर्कर जो है वो अपनी फैसिलिटीज या सर्विसेज दूसरे कंट्री को प्रोवाइड करता है एट इंटरनेशनल लेवल, तो उसे हम बोलेंगे वर्ल्ड लेबर मार्केट। अब दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ब्रेन ड्रेन, ब्रेन का मतलब होता है खत्म होना,
या निकल जाना। तो हम समझते हैं ब्रेन ड्रेन का मतलब, यहाँ पर देखो कोई भी एडुकेटेड पर्सन जो कि इंडिया को कंट्रीब्यूट कर सकता है वो बाहर जाकर आउट ऑफ इंडिया जो है अपनी फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है और दूसरे कंट्रीज की मदद करता है। तो इस सिचुएशन को हम बोलते हैं ब्रेन ड्रेन। तो सब देखिए आपको यहाँ पर लिखा हुआ है, जब स्किल्ड लेबर्स जो है जो कि काफी ज्यादा एडुकेटेड है वो आउट ऑफ कंट्री मूव हो जाते हैं, या तो बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, या तो एजुकेशन लेने के लिए, हायर टेक्निकल स्टडीज के लिए, अपनी स्किल्स को डेवलपमेंट करने के लिए, या जॉब के लिए जहां पर उन्हें ज्यादा इनकम मिल सके, ज्यादा अच्छी फैसिलिटीज मिल सके, बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए अगर वो बाहर मूव हो जाता है तो उसे हम बोलेंगे ब्रेन ड्रेन, और एक्सटर्नल माइग्रेशन और इंटरनेशनल माइग्रेशन। नेक्स्ट देखते हैं, और डेवलप कंट्रीज जो है उसके पास बहुत ही अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है और बहुत ही अच्छी हाई क्वालिटी ऑफ लाइफ होती है, और इससे कहीं ना कहीं यूथ जो है वो अट्रैक्ट हो जाता है 5 स्टार और लग्जरियस लाइफ से, और वो इंडिया के बाहर जो है वो चला जाता है। दिस कैचेस द अटेंशन ऑफ द पीपल बिकॉज ऑफ द लग्जरियस लाइफ, उनकी इनकम बहुत अच्छी है, फैसिलिटीज बहुत अच्छी है। तो पीपल इन एक्सचेंज और इन लieu ऑफ हायर सोशल स्टेटस, ज्यादा स्टेटस के लिए, लग्जरियस लाइफ के लिए, वो जो है वो दूसरी कंट्री जो है वो माइग्रेट कर लेते हैं, वो यहाँ से चले जाते हैं। पीपल जनरली माइग्रेट क्यों होते हैं? ओनली आफ्टर दे रीच द अडल्टहुड, जब उन्हें सब कुछ नॉलेज एक्वायर हो जाता है फॉर न्यू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज आफ्टर अडल्टहुड, वो बाहर चले जाते हैं। और दिस कैचेस एज एजुकेशन हेल्थ फैसिलिटीज दे हैव यूज फॉर सो मैनी ईयर्स गो वेस्टेड, जो इंडिया में उन्हें एक्सपीरियंस मिला, सब कुछ मिला, जो इंडिया में हेल्प कर सकते थे वो अब बाहर जाकर अपनी फैसिलिटीज प्रोवाइड करते थे, ये सब जो है वो वेस्ट हो जाता है। द माइग्रेंट माइट बी टैलेंटेड, ऐसे माइग्रेंट जो कि टैलेंटेड है, इंटेलिजेंट है, वो दूसरी कंट्रीज में चले जाते हैं जबकि वो अपनी होम कंट्रीज की मदद कर सकते हैं, यहाँ पर एम्प्लॉय हो सकते हैं, बट बिकॉज ऑफ फैसिलिटीज वाइस फैसिलिटीज वो बाहर एम्प्लॉय हो जाते हैं, बाहर चले जाते हैं, और वो इंडिया को अपने स्किल्स, इंटेलिजेंट और टैलेंट देने की बजाय वो दूसरी कंट्रीज को अपना स्किल, इंटेलिजेंस और टैलेंट जो है वो बनाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन को हम बोलेंगे ब्रेन ड्रेन। इंडिया जो है वो काफी ज्यादा प्रॉब्लम जो है वो फेस कर रही है ब्रेन ड्रेन का, बिकॉज यहाँ पर इतनी अच्छी एजुकेशनल फैसिलिटीज नहीं है, एजुकेशन फैसिलिटीज है उनके पास, हायर नॉलेज है, लेकिन यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इतनी नहीं है। तो इंडिया में बहुत सारे एडुकेटेड और एक्सपीरियंस पीपल जो यूथ जो है वो बाहर जो है अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और वो इंडिया में नहीं रहते और माइग्रेट हो जाते हैं, और ये मेजर लिमिटेशन है या डाउन साइड है लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन का। अब हम समझते हैं, हमने ब्रेन ड्रेन भी समझ लिया, अब हम समझते हैं इफेक्ट ऑफ ब्रेन ड्रेन। ब्रेन ड्रेन की वजह से एक पढ़ा लिखा जो है इंडिया में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करने की बजाय बाहर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, तो उसके क्या क्या और इम्पैक्ट हो सकते हैं? बहुत ज्यादा डिमांड है पीपल हैविंग द नॉलेज, जिसके पास स्किल्स है, नॉलेज है इन द आईटी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सेंटर, तो वहां पर उन्हें बेनिफिट जो है वो हो सकता है। कंट्रीज जिनको ये सारे स्किल्स की जरूरत है यूज सेवरल पॉलिसीज, जो अब पता है कि इंडिया में बहुत एडुकेटेड पीपल जो है, तो बाहर की कंट्रीज उन्हें बहुत ही अट्रैक्टिव जॉब ऑफर करती है, अच्छी सैलरीज, अच्छे अकोमोडेशन फैसिलिटीज, लग्जरियस लाइफ जो है वो प्रोवाइड करती है, वो अट्रैक्टिव ऑफर देती है, और इससे यूथ जो है सैलरी से, लग्जरियस लाइफ से अट्रैक्ट हो जाता है और वो बाहर चला जाता है दूसरी कंट्री में, और हम जो है हमारा टैलेंटेड और इंटेलिजेंट पॉपुलेशन जो कि इंडिया में सर्विस प्रोवाइड कर सकता था वो दूसरी कंट्री जाकर अट्रैक्ट होकर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट, कंपनीज और इंडस्ट्रीज जो है उन्हें भी कहीं ना कहीं अपने एम्प्लॉयज को फॉर हायर एजुकेशन, फॉर हायर टेक्नोलॉजी जो है फॉरेन कॉम्पिटिशन को फेस करने के लिए, नई नई टेक्नोलॉजीज को अपग्रेड करने के लिए उन्हें बाहर जो है अपने एम्प्लॉयज जो है वो भेजने पड़ते हैं। ये क्यों करते हैं? इट इज डन फॉर ऑब्टेनिंग रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन, नॉलेज एंड स्किल। तो बहुत सारी इंडियन कंपनीज जो है बिकॉज वो टेक्नोलॉजिकली इतनी एडवांस नहीं है, तो उस एडवांसमेंट के लिए जो उन्हें एम्प्लॉय को बाहर जो है वो भेजना पड़ता है फॉर ट्रेनिंग। और जब कंपनीज जो है इंडियंस को अदर कंट्रीज में भेजती है ऑन प्रोजेक्ट बेसिस, तो इंडियंस जो है वो अपनी सैलरीज जो है वो फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू या फॉरेन करेंसी में पैसा जो है वो प्रोवाइड करते हैं, तो ये है एक पॉजिटिव इम्पैक्ट, उनके पास फॉरेन अर्निंग्स होगी और इंडिया में आके उसे कन्वर्ट करवाना पड़ेगा रुपयों में, तो इसीलिए कहीं ना कहीं हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है
वो बढ़ेगा। तो दिस सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ फॉरेन करेंसी एट द सर्टन एक्सटेंट। तो बिकॉज ऑफ दिस एक पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है कि हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व या बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है उसकी सिचुएशन जो है वो सुधर जाती है। तो इस तरीके से हमारे दोनों टॉपिक जो कि काफी ज्यादा लेंदी हैं, इको के पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट दैट इज मेजर चैलेंजेस जो है वो कंप्लीट हुआ। आई होप आपको पूरी तरीके से अच्छे से क्लियर हो गया हो, आप इनको नोट्स के थ्रू अच्छे से याद कर सकते हैं।